नमस्कार, तफ्तीश की नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। सर्दी का सितम और उस पर से फल और सब्जियों के बढ़ते दाम ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, लेकिन नए साल की खुमारी और शॉपिंग की मस्ती में लोग ये शायद भूल गए हैं कि कुछ लोग उनकी सेहत से अब भी खिलवाड़ कर रहे हैं। बढ़ती डिमांड और ज्यादा मुनाफे के खेल में मिलावटखोरों की माने तो चांदी हो गई है। ताजा मामला यूपी के लखनऊ और मेरठ का है, जहां खाद्य विभाग की छापेमारी से कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। क्या है पूरा मामला, करते हैं तफ्तीश। मौत, बढ़ती मिलावट। यूपी में खाद्य तेलों में भारी मात्रा में मिलावट की जा रही है। इस खतरनाक सच का खुलासा तब हुआ जब खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने मेरठ की कई ट्रेडिंग कंपनियों समेत छोटे दुकानदारों के गोदामों पर छापेमारी की। खुलासा हुआ कि यहां उद्योग धंधों में इस्तेमाल होने वाले तेल को खाद्य तेल में मिलाकर ज्यादा मुनाफा कमाने का खेल तेजी से जारी है। जो जानकारी अभी तक मिल रही है कि कुछ ऐसी स्थिति आई कि दो आदमी अभी तक उन्होंने शायद सील कर दिया है, और बाद में बाकी में भी वो देख रहे हैं, अगर मान लीजिए एडवर्स पाते हैं तो उसको भी सील करेंगे। सबसे पहले टीम ने सदर बाजार और दाल मंडी इलाके में छापेमारी की। यहाँ के मेरठ तेल भंडार से 2700 लीटर सरसों का तेल और 5000 लीटर पाम ऑयल जब्त किया गया। इसके अलावा अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी से 26 टीन सोयाबीन तेल, साहिबा ट्रेडिंग कंपनी से 43 टीन सरसों का तेल, जगदीश प्रसाद एंड सन से 65 टीन सरसों का तेल और 4.5 क्विंटल खुला तेल सीज किया गया। इसके अलावा टीम ने पारस तेल भंडार से 10 टीन सरसों का तेल और शुद्ध रेवड़ी भंडार से करीब 155 किलो मिलावटी बेसन सीज किया है। खाद्य विभाग की टीम ने प्रतापपुर क्षेत्र से भारी मात्रा में नकली चॉकलेट और आइसक्रीम बनाने वाली सामग्री जब्त की। तेल एक ऐसी चीज है जो हम लोग आम तौर पे खाते हैं और उसमें भी मिलावट बहुत कॉमन है। तेल की वजह से एपिडेमिक ड्रॉप्सी होती है, जिससे पूरा शरीर सूज जाता है, काफी बीमारी भयंकर रूप ले लेती है, कभी कभी बहुत खतरनाक रहती है। जीआईटी की डिसऑर्डर, लीवर की जितनी बीमारियां हैं तेल की वजह से आप देखो तो बहुत कॉमन है। खाद्य एवं औषधि आयोग भी मानते हैं कि मेरठ समेत पूरे यूपी में फैले मिलावटखोरी के इस काले कारोबार को लेकर ये खुलासा महज एक नमूना है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो खाद्य तेलों में उद्योग धंधों में इस्तेमाल होने वाले तेल की मिलावट कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है। राजीव शर्मा, जी मीडिया, मेरठ। तो अगर आप दुकानदार के भरोसे पर किसी खास ब्रांड का तेल खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, अगर आप किसी खास ब्रांड की मिठाई से अपने मेहमानों का स्वागत करने की सोच रहे हैं, तो जरा ऐसे ब्रांड्स की चीजों का इस्तेमाल करने से पहले कानपुर के खाद्य सुरक्षा महकमे की ताजा रिपोर्ट पर जरूर गौर फरमाएं। देखिए, इतनी मिलावट वाली चीजें हैं ज्यादातर, तो पाचन क्रिया को, हमारे पाचन तंत्र को, स्टोमक जीआईटी को ही अफेक्ट करती है, लीवर को अफेक्ट करती है और हार्ट को बहुत ज्यादा न्यूट्रिटी वैल्यू होने की वजह से, और कोलेस्ट्रॉल को, लीवर लिपिड प्रोफाइल को अफेक्ट करती है। औद्योगिक तेल का आमतौर पर उपयोग साबुन, पेंट, वार्निश आदि बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे में इनका इस्तेमाल खाद्य तेलों में किया जाना, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ज्यादा मुनाफा और डिमांड पूरी करने की होड़ में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खाद्य पदार्थों में आजकल खूब मिलावट जो हो रही है, जैसे दाल है, दाल में लेथाइरिज्म नाम की एक बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है जो कि कार्सिनोजेंस भी होती है, मतलब कैंसर वगैरह भी उससे हो सकता है। चाय में मिलावट है, तो लीवर डिसऑर्डर्स हमारे बहुत कॉमन है, जीआईटी डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, दूध वगैरह में मिलावट आ रही है, दूध में भी जॉइंट पेन है। ये मिलावट आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ने के साथ साथ आपको गठिया, गैस और ना जाने कितनी ही गंभीर बीमारियों की चपेट में ला सकता है। मौत, बढ़ती मिलावट। जगह कानपुर। मेरठ में जहां मिलावटी तेल का खुलासा हुआ, तो वहीं कानपुर में मिठाइयों में मिलावट किए जाने की शिकायत बड़े पैमाने पर सामने आई है। शहर की 6 बड़ी दुकानों के सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। इनमें मिठाई के अलावा पनीर और दही भी शामिल है, जो उनका एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए उससे नीचे के हैं। चूंकि जांच रिपोर्ट आ जानी है, आ गई है, अब उस जांच रिपोर्ट के आधार पर हम उन जो संबंधित खाद्य विक्रेता है उनके ऊपर जो है यहाँ पर मुकदमे की कार्रवाई कर रहे हैं और उसकी समस्त आवश्यकताएं पूरी की जा रही है। दरअसल खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने कुछ दिन पहले कानपुर की कुछ दुकानों पर छापा मारकर मिठाइयों के नमूने बरामद किए थे, जिनमें मैसर्स प्लाजा, तिवारी स्वीट्स, रामकृष्ण गुप्ता, तिवारी लस्सी, विजय व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड और गिरजेश कुमार की दुकान शामिल है। इन सभी दुकानों में जब्त की गई मिठाइयां, खोआ, दही और लस्सी के सैंपल जांच के लिए लखनऊ की लैब में भेजा था, जहां सभी सैंपल फेल हो गए। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य विभाग एडीएम सिटी कोर्ट में सभी दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज कराएगा, साथ ही साथ लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाकर ऐसे और मिलावटखोरों पर नकेल कसने की तैयारी है।
मेरठ से राजीव शर्मा के साथ विजय श्रीवास्तव, जी मीडिया कानपुर। मुरादाबाद में शातिर ठगों ने कई लोगों को करोड़ों का चूना लगाया है। खुलासा हुआ है कि ठग गोल्ड कमेटी के नाम से लोगों से किश्तों में रुपए लेकर सोने के जेवर देने का वादा करते थे। मामले की जानकारी पुलिस को तब हुई जब लोगों ने सोना नहीं मिलने की शिकायत की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सभी शातिर ठग अपने दुकान बंद कर फरार हो चुके थे। पुलिस को आशंका है कि आरोपी विदेश भी जा सकते हैं। तस्वीरों में कैद मुरादाबाद के वो शातिर ठग हैं जिन पर शहर के सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी करने का आरोप लगा है। सबक कितनी रकम होगी आपकी? लगभग 3-4 लाख रुपए है मेरे और हमारे भाइयों का, अलग अलग सबके। पूरे परिवार से कितनी की ठगी की गई है? लगभग 10-12 लाख रुपए। लगभग कितनी रकम होगी पूरे शहर के लोगों के? पूरे शहर का तो रोजाना नया बढ़ ही रहा है अमाउंट, लगभग 2-3 करोड़ रुपए शायद लग रहा है। ठगी का शिकार हुए लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मोहम्मद कादिर और उसके भाई समेत उसके साले के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन शुरुआती तफ्तीश से ये आशंका बढ़ गई है कि लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी कहीं विदेश न भाग गए हों। उसके अलावा ये भी संज्ञान में आया है कि उनके अलावा और भी कई लोगों के पैसे वो लेके व्यक्ति फरार है। लोगों के द्वारा बताया गया है, ये बात सही है, और कुछ लोगों ने ये भी जानकारी दी है कि शायद अभी भी ये हो सकता है विदेश भाग गया हो। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज ये कि टीम हम लोगों ने लगा दी है और बहुत शीघ्र वो जहां कहीं भी होगा उसका पता लग जाएगा और हमारा प्रयास है कि बहुत जल्दी हम उसको गिरफ्तार कर लें। दरअसल नागफनी थाना क्षेत्र के दौलतबाग में मोहम्मद कादिर की इमरान ज्वेलर्स नाम की दुकान थी। आरोप है कि पहले कादिर और उसके रिश्तेदारों ने लोगों का विश्वास जीतने का काम किया और फिर ठगी का ऐसा मायाजाल बिछाया कि ना चाहते हुए भी शहर के सैकड़ों लोग उनके चंगुल में फंसते चले गए। मोहम्मद कादिर सर्राफ सोने की कमेटियां डालता था, तो मैंने, मेरी पूरी फैमिली ने, लगभग 10 लोगों ने इसके यहाँ कमेटियां डाल रखी थी। 2 साल की कमेटी थी जिसमें हमारी कमेटी पूरी होने वाली थी, लगभग 10-10 तोले की कमेटियां हैं। 16वां महीना था हमारा जब हमें पता चला कि अब कमेटी का ऑप्शन होने वाला है, तो हम कदीर के घर पे पहुंचे, तो कदीर ज्वेलर्स वहां से लगभग 200-250 लोगों का पैसा लेके फरार हो चुका था। आरोप है कि मोहम्मद कादिर और उसके रिश्तेदार गोल्ड कमेटी के नाम पर लोगों से किश्तों में रुपए जमा कराते थे, झांसा देकर कि बाद में उन्हें सस्ते दावों पर सोने के जेवर आसानी से दिए जाएंगे। कादिर और उसके रिश्तेदारों के इस गोरख धंधे का खुलासा तब हुआ जब लोगों ने अपने हिस्से के जेवरात के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। ठगों ने निवेशकों पर पहले पुलिस की धौंस दिखाई और बाद में दुकान बंद कर वो फरार हो गए। इन ठगों के शिकार हुए पीड़ितों में ज्यादातर वैसे लोग शामिल हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा जेवर बनाने में लगाया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है, लेकिन इस बात की आशंका बनी हुई है कि आरोपी देश की हदों को पार कर सकते हैं। ऐसे में पीड़ितों के पैसे कैसे वापस मिलेंगे, ये गंभीर मसला बना हुआ है। मुरादाबाद से दीपचंद जोशी, जी मीडिया। तफ्तीश में अब बात एक ऐसी खबर की जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारने के लिए उसे जहर पिला दिया। क्यों दिया एक पत्नी ने अपने पति को जहर? किसके कहने पर एक पत्नी बन गई अपने पति की कातिल? देखिए, मैनपुरी के भरतवाल इलाके के इस घर में मातम पसरा है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। इस घर में रहने वाले शख्स किशन की मौत हो गई है और उसे मौत के घाट उतारने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही है जो फरार चल रही है। दरअसल किशन की शादी 2 साल पहले संसारपुर की रहने वाली शैलेंद्री से हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में शैलेंद्री की दोस्ती अपने पड़ोस में रहने वाले राहुल से हो गई। अपने पति की गैर मौजूदगी में शैलेंद्री राहुल से रोज मिलने लगी और एक दिन शैलेंद्री की ननंद ने उसे और राहुल को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस बात का मालूम जब किशन को चला तो किशन को गुस्सा आ गया, लेकिन शैलेंद्री ने अपनी गलती मान सब ठीक हो जाने को कहा। राहुल के प्यार में पागल शैलेंद्री फिर नहीं मानी और उसने राहुल के साथ भागने की तैयारी कर ली। सोमवार रात किशन की चाय में शैलेंद्री ने कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया और घर में रखे सारे पैसे और जेवरात लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। नशीले पदार्थ की मात्रा चाय में इतनी थी कि सुबह किशन ने दम तोड़ दिया। चली गई मेरे लिए। कौन, किसने दिया जहर? शैलेंद्री। कौन है? बहू है। अच्छा, अब लड़का की बहू। चाय पी के आई है और उसकी इतने बेहोश हो गया वो, फिर उन्होंने लाकर हॉस्पिटल भर्ती कराया 6 बजे शाम को और 9 बजे ये फिर एक्सपायर हो गया है हॉस्पिटल में। 1.5 लाख रुपए लूट के भागी है, थोड़ा जेवर लेके निकली यहाँ से। ये 1 साल से बीमारी लगी थी धोबी के साथ।
और नाम नाम बता राहुल दिवाकर उसके साथ भाग गई चेयर दे के हमारे भैया को, सब ले गई सामान घर से। पुलिस को जैसे ही इस मामले की सूचना मिली पुलिस ने मौका वारदात का मुआयना किया। पुलिस ने किशन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी शैलेंद्री और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है। उसी में हॉटटॉप हो गई और हॉटटॉप में उसने जो उसका पति है श्री कृष्ण उसने सल्फास खा ली और सल्फास खा के उसकी डेथ हो गई और उसके घर वालों में श्री कृष्ण के राहुल और उसके घर वालों के भागी हुई पत्नी की विवेचना हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर इंसानियत और रिश्तों को शर्मसार जरूर कर दिया है। मैनपुरी से संजय शर्मा, जी मीडिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हाई स्कूल की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी ये होगी कि निर्भया कांड के बाद जिस एनसीआर पुलिस ने ऐसे मामले में शिकायतकर्ता को पूरी मदद देने का दम भरा था उसी एनसीआर की गाजियाबाद पुलिस ने ताजे मामले में केस दर्ज करने के बजाय घंटों तक सीमा विवाद में उलझी रही। बाद में मामला तभी दर्ज कर कार्रवाई की गई जब विरोध के सुर तेज हुए। फिलहाल छात्रा से रेप के आरोप में तीनों आरोपियों पर शिकंजा कस लिया गया है। गाजियाबाद पुलिस के शिकंजे में आए ये वही तीन युवक हैं जिन पर विजयनगर इलाके की एक दसवीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। तीनों लड़कों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब विजयनगर इलाके में ही छात्रा अपने घर से कोचिंग के लिए जा रही थी। रास्ते में तीन युवक अमन, नवीन और टीटू ने उसे अपनी कार में जबरन बिठा लिया, फिर नोएडा के एक होटल में ले जाकर तीनों युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया और बाद में विजयनगर के एक सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गए। दरिंदों की हरकत से डरी सहमी छात्रा अपने घर पहुंची और आपबीती परिजनों को बताया, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुद को जनता का मित्र बताने वाली गाजियाबाद पुलिस सीमा विवाद का हवाला देकर केस दर्ज करने में आनाकानी करती रही। आरोप है कि विजयनगर थाना पुलिस ने नोएडा का मामला बताकर केस दर्ज नहीं किया। बाद में जब स्थानीय लोगों का दबाव बढ़ा तो देर रात पुलिस ने केस दर्ज किया। गनीमत रही कि पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों पर शिकंजा कस लिया, लेकिन इस वारदात के सामने आने के बाद एक बार फिर पुलिस के उस ताजा आंकड़े पर गौर करना लाजमी हो जाता है जिस पर गौर करने पर दिल्ली एनसीआर में महिला अपराध को लेकर चिंता बढ़ जाती है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में रोज रेप और छेड़खानी की 5 वारदातें होती हैं। गाजियाबाद में 2013 के मुकाबले 2014 में रेप की वारदात करीब 40% बढ़ी है। वहीं दिल्ली में 2013 के मुकाबले 2014 में रेप की वारदात में 31% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली एनसीआर की पुलिस महिला अपराध के मामले को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई देती। गाजियाबाद से सामने आए इस ताजा मामले में मुख्य आरोपी बीसीए का छात्र बताया जा रहा है, जबकि तीनों आरोपी लड़की के घर के पास ही रहते हैं। फिलहाल तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं, जहां अब कानून के गुनाहों की सजा सुनाएगा। यादराम भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश का कोई भी कोना हो महिलाएं सुरक्षित नजर नहीं आती। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक छात्रा दरिंदगी का शिकार हुई तो अमरोहा के डिडोली थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला देखिए। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। घर की लड़की की अस्मत तार तार हो गई है। घर में मातम सा माहौल है। घर के मुखिया को कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि वो क्या करें, कैसे उन दरिंदों तक पहुंचे जिन्होंने इनकी फूल सी बेटी की इज्जत के साथ गंदा खेल खेला है। पीड़ित युवती दलित है। आरोप है कि गांव के ही तीन दबंगों ने इस युवती का पहले अपहरण किया और फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप के बाद दबंगों ने युवती को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। जैसे मैं बाहर गई ना किवाड़ खोल के, एक धमकी मेरे मुंह में लटक खींच गया और मैं सीने पर तमंचा रखा और ये खा कर ले गए दूसरे जंगल पर। मुझे ले गए पहली तरफ जाते हुए उन्होंने मेरे साथ मतलब गलत बात करी। वारदात के बाद जब पीड़ित युवती इंसाफ की आस लिए पुलिस थाने पहुंची तो वहां सिवाय खानापूर्ति के और कुछ हासिल नहीं हुआ। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया,
लेकिन उनकी गिरफ्तारी कब होगी कहना मुश्किल है। एक तहरीर प्राप्त हुई कि एक लड़की के साथ तीन व्यक्तियों ने बलात्कार किया है, उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मेरे द्वारा जांच की जा रही है। लड़की को डॉक्टरी के लिए भेजा जा चुका है। इस तरह की वारदातों के बाद गंभीर सवाल तब खड़े होते हैं जब पुलिस का रवैया निराशाजनक होता है। इस घटना में भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि आरोपी बहुत करीब होते हुए भी पुलिस की पहुंच से दूर है। विनीत अग्रवाल, जी मीडिया, अमरोहा। एक्टिंग का भूत और कम उम्र में दुनिया जीतने की चाहत, मथुरा के गांव की तीन लड़कियों पर इस कदर हावी हुई कि वो एक महिला के बहकावे में आकर घर छोड़कर भाग गई। देर रात परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और शुरुआती जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि सभी लड़कियां एक्टिंग सीखने के लिए आरोपी महिला के साथ चंडीगढ़ चली गई थी। रिपोर्ट देखिए। एक्टिंग का भूत, एक महिला का बहकावा, कच्ची उम्र की नादान हरकत और घर से फरार हो गईं तीन नाबालिग लड़कियां। ये वाक्या मथुरा के दो अलग अलग जगहों से सामने आया है जहां एक ही दिन चार छात्राएं अपना घर बार छोड़कर एक महिला के साथ सिर्फ इस बहकावे में चंडीगढ़ पहुंच गईं क्योंकि उन्हें एक्टिंग के क्षेत्र में पहचान बनानी थी। उन्हें कम समय में शोहरत और पैसा कमाना था और आरोप है इसी नादान सोच का फायदा उठाकर थाना बलदेव इलाके के सहलवान गांव की रहने वाली कमलेश ने उन्हें भागने के लिए उकसाया और घटना के दिन बलदेव इलाके के सहलवान गांव की तीन छात्राएं और गोविंद नगर इलाके के अर्जुनपुरा की एक छात्रा घर से झूठ बोलकर महिला के घर पहुंची, जहां से तीन लड़कियों को लेकर कमलेश चंडीगढ़ भाग गई। परिजनों को इसकी खबर तब हुई जब घर आकर एक छात्रा ने पूरा माजरा समझाया। तो घर पे वापस नहीं आई तो घर से बोल के गई थी कि बथुआ होता है ना, बथुआ लेने के लिए जा रहे हैं खेत में। अब बथुआ लेने के बाद आदमी घर पे इंतजार करेगा घंटे का, दो घंटे का करेगा। अब वो टाइम निकल गया तो वही जब बच्ची वापस नहीं आ रही है तो उसमें संशय हुई कि बच्ची गई तो गई कहाँ। बच्ची के साथ वो महिला भी गायब है। अब वो महिला भी गायब है, वो चारों ही गायब हो गई ना एक साथ। अच्छा अच्छा। हाँ, एक लड़की वापस आई है, उसने बताई है। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही सभी छात्राओं के फोन को सर्विलांस पर रख लिया गया और कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने ये पता कर लिया कि छात्राएं आरोपी महिला कमलेश के साथ चंडीगढ़ पहुंच गई हैं। छात्राओं के लोकेशन के आधार पर स्थानीय पुलिस ने फौरन ही चंडीगढ़ पुलिस से संपर्क किया। इस संबंध में थाना बलदेव पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है 366 का और हमारी एक टीम जो है इसमें चंडीगढ़ वहीं पे इसमें है, चंडीगढ़ में ही इसमें लोकेशन मिल रही है और ये जो ले जाने वाली करियर महिला कमलेश है इसका वहाँ पर घर भी है। ताजा खबर के मुताबिक मथुरा पुलिस ने चंडीगढ़ पुलिस की मदद से आरोपी महिला कमलेश के साथ तीनों लड़कियों को चंडीगढ़ से बरामद कर लिया है। तो उम्मीद है कि शीघ्र हम इसको। सभी छात्राओं की उम्र 14 साल से लेकर 17 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस अब सभी के परिजनों को इत्तला कर उन्हें चंडीगढ़ से मथुरा लाने की तैयारी में जुट गई है। विपेंद्र सिंह, जी मीडिया, मथुरा। और अब गुनाह की नजर। बदायूं के मूसा झाग में नाबालिग से रेप के मामले में आईजी जोन डीएस मीना ने आरोपी सिपाही की संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया है। फरुखाबाद में एक महिला अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए धरने पर बैठ गई है। बेगम बिहाना 3 दिनों से जिला मुख्यालय के बाहर परिवार के साथ धरने पर बैठी है। वाराणसी से दिल्ली के लिए जाने वाली स्पेशल ट्रेन में दो महिलाओं के साथ लूट की खबर सामने आई है। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों वारदातें एक वक्त हुई। मुरादाबाद में प्रशासन की टीम ने खनन विभाग के साथ मिलकर अवैध खनन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। फतेहपुर में बाइक सवार दो बदमाशों के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी जिसमें एक बदमाश की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा बदमाश अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने शशि थरूर को नोटिस भेजने से इंकार किया है। दिल्ली पुलिस उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले की जांच कर रही है।